अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अचानक से जो है आज हमारा प्रोग्राम बन गया लाहौर जाने का। तो अभी बैरिया टाउन जो है आ गए हैं हम लोग। तो फिर भी अभी जो है हमने स्टार्ट कर दिया है और रास्ते के मनाजिर आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन। और लाहौर क्यों जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह, जाके बताएंगे कि लाहौर क्यों जा रहे हैं। तो अभी बस शुरू कर दिया है, बैरिया टाउन आ गया है, पेट्रोल फुल करा लिया गाड़ी के अंदर। तो एक अच्छी ड्राइव भी हो जाएगी रास्ते के अंदर, लॉन्ग सफर है, लाइट से बात है काफी अच्छी। तो लॉन्ग ट्रिप भी है हमारा, और कराची टू लाहौर पहले भी जा चुके हैं, तो अभी तकरीबन 3 महीने पहले गए थे, अभी फिर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आपको बताएंगे रास्ते में इंशाल्लाह। तो साथ रहिए, अभी जुड़े रहें, देखते हैं फिर आगे आके आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी गाइस हम लोग आ गए हैं मोटरवे पे, मुल्तान शक्कर मोटरवे पर आ गए हैं। और यहाँ पर अभी जो है हमने नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो नाश्ते में हमने मंगवाए हैं यहाँ पर अंडा आमलेट है, पराठे हैं, ये कोरमा है और ये दाल है। अभी नाश्ता करते हैं फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग बड़े उदास लग रहे हैं, खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? खैरियत तो है? आसिफ भाई कैसे, आप ठीक हैं? असाम भाई ठीक है आप? नाश्ता, आपको भूख लग रही है ज़्यादा? असाम भाई को ज़्यादा लग रही है। ये है हमारे अमीर साहब। अच्छा खाने चले भाई, अभी खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। भाई कराची से चले थे, टैंक फुल करवाई थी गाड़ी की, और समथिंग 11,000 रुपये का पेट्रोल आया था, पहले का भी था, अभी मुल्तान नहीं आया, पेट्रोल ख़त्म। भरवाते हैं अभी दोबारा से भाई, चेक करते हैं अभी कितने का डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भैया फुल कर देना। फुल कर टैप टैप कर तो एंड हो गया, फुल करवाते हैं अभी टंकी, फिर देखते हैं। टैंक खाली है, अभी देखते हैं कितने का आता है इसके अंदर। 269 रुपीस पेट्रोल का प्राइस, 5 रुपये कम हुआ है कल रात को। अभी देखते हैं टैंक कितने में फुल हो रहा है यहाँ का, और टैंक अभी तकरीबन खाली है, रिजर्व की लाइट आई हुई है, अभी पता चल जाएगा इसके अंदर कि पेट्रोल, ये जो मोटर वे है आपके, इस पे पेट्रोल के अंदर चोरी वोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आइडिया है मैं कितने का इसके अंदर आएगा, आपको बताते हैं इंशाल्लाह, शेयर करते हैं। तो मुल्तान के करीब करीब तकरीबन पहुँचने वाले हैं, और बस पहुँचने वाले हैं मुल्तान, और पहुँच जाएंगे आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह। तो कराची से जो है टैंक फुल करवाया था हमने, और एक टैंक खाली हो चुका है, देखते हैं दूसरा टैंक हमें लाहौर पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता। तो भाई ये अभी टैंक की फुल हो गई है। अच्छा कमाल की बात बताता हूँ, पेट्रोल हुआ हुआ है 267, मोटर पे भी मिल रहा है 269, और ये PSO का पंप है। तो ऐसे ही है भाई, बस चल रहा है, जिसकी जो मर्जी है वो अपनी मर्जी से हिसाब से जो है पेट्रोल जो है सेल कर रहे हैं। बाकी जो है आपको अपडेट करते हैं आगे भी क्या चल रहा है। तो एक टैंक हमने करवा लिया खाली अपना सफ़र में, दूसरा जो है अभी हमने फुल करवा लिया, अब इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक चलता है ये।
इसको कहते हैं कि सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। उसे समद कहते हैं, अल्लाह समद, कि अल्लाह तो समद है कि सब उसके मोहताज है। और वो खुद, कि वो खुद किसी का मोहताज नहीं है। सब उसके पैदा किए हुए हैं और वो सबका पैदा करने वाला है। तो अल्लाह की शान बहुत आला है और बहुत बाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़े। तो अल्लाह ने अपनी बड़ाई भी हमको दिखाई है, बड़ाई भी सिखाई है नबियों के जरिए से, अपने खजानों की भी खबर दी है कि फरमाया कि हमारे पास तो हर चीज के खजाने हैं। ये कहा कि वहीं मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो। अल्लाह कहते हैं अल्लाह खजाने सब चीजों के हैं, अलबत्ता एक मकदार मालूम के साथ जमीन पर और दुनिया में उसको उतारते हैं कि दुनिया में उसे रात तहमुल नहीं है। तो हर चीज के खजाने हैं, हर चीज के इख्तियार अल्लाह ताला को हैं। हयात और मौत उसके वो तनहा मालिक हैं, और हयात और मौत के दरमियान में जितने मसाइल हैं उन सब मसाइल का ताल्लुक अल्लाह से है। अला इला अल्लाह तुरजउल उमूर, कि अल्लाह की तरफ तमाम उमूर रुजू होंगे, अल्लाह की तरफ तमाम नतीज वहीं से आएंगे। तो सारी कायनात अल्लाह ताला के अम्र के तहत में है। अला लहुल खल्क वल अम्र, ये याद रखो मखलूक भी अल्लाह की, फैसला भी अल्लाह का, किसी का कुछ नहीं। उसकी मखलूक है, अपनी मखलूक में जो चाहे फैसला करे। तो अल्लाह की शान आला और बाला है, और उसके खजाने के, उसके खजाने देने के लिए मखलूक को अपना करम जाहिर करने के लिए पैदा किया है। मखलूक अल्लाह के करम का मजहर है, कि अल्लाह के करम, अल्लाह का करम, अल्लाह की बख्शिश इस पर अल्लाह जाहिर करेगा कि अपने मखलूक पर। इसलिए मखलूक को पैदा किया है अपने करम को जाहिर करने के लिए। हाथी को हाथी के हिसाब से देंगे, चूंटी को चूंटी के हिसाब से देंगे। हर मखलूक के लिए उसके यहां नसीब और हिस्सा है, और मखलूक को अपना करम जाहिर करने के लिए पैदा किया है। मखलूक नहीं होगी तो अल्लाह का करम किसके पास होगा। इसलिए कि मखलूक पैदा की है कि अपना करम जाहिर करूं। मन न करदम खलकता सूदे कुनम, बल्कि ताबर बंद का जूदे कुनम। ये कहा एक अल्लाह वाले ने कि मन न करदम खलकता सूदे कुनम, बल्कि ताबर बंद का जूदे कुनम। मैंने मखलूक इसलिए नहीं पैदा की है कि मेरा कोई फायदा हो जाए, कि मखलूक की इबादत से खुदा बड़ा हो जाएगा, मखलूक की कसरत से खुदा कुव्वत वाला, कैसा नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, गनी है। हाँ मखलूक मैंने इसलिए पैदा की है कि अपनी मखलूक पर अपना करम, अपनी बख्शिश जाहिर करूं। इसलिए बशारतें सुनाई जाती है बंदों को, बशारतें सुनाई जाती है। बशारत का मतलब इनामत देने का ऐलान, उसको बशारत कहते हैं कि कोई इनाम है जो आपको अल्लाह देने वाले हैं। हाँ। कोई इम्तियाज है जो अल्लाह आपको देने वाले हैं। तो बशारतें सुनाई जाती है, बशर इबाद, नबियों से हुक्म है बशर इबाद, बंदों को बशारत दो, इनामात की खबर दो, इनाम लेने के रास्ते बता दो, बशर इबाद। तो बशारतें सुनाते हैं, इनाम के वादे करते हैं। देने सारा काम देना ही देना है, अल्लाह ही है एक जात जो देने वाली है, बाकी सब लेने वाले हैं। या यूहन्ना अंतुमुल फुकरा युकातु, ए लोगो तुम सब के सब फकीर हो। बादशाह भी फकीर है, जी हाँ, और साहिल फिकर भी फकीर है, सब अल्लाह के यहाँ फकीर है। एक अल्लाह देने वाला है और उसके खजाने देने के लिए है। हाँ। देना पसंद है अल्लाह को, देना पसंद है कि दो, अल्लाह से लो दूसरों को दो, अल्लाह को अल्लाह से लो दूसरों दो। अलिया खैरुम यदि सुबला, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे के हाथ से। युवा
तो खुद भी देना पसंद करते हैं और बंदों को भी देना सिखाते हैं कि देने वाले बनो, देने वाले बनो। इन्ना कासिम, हुजूर फरमाते हैं कि मैं तो तस्लीम करने वाला हूं और अल्लाह देने वाला है, मैं तस्लीम करने वाला हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म आता था, वो भी आप तकसीम करते थे, लोगों को सिखाते थे, इस लिहाज से आप कासिम में तकसीम कर रहे हैं। وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, और हमारा नहीं तुम्हें वो बातें सिखाएगा जो तुम नहीं जानते हो। तो इलम आता था तो इलम तकसीम करते थे, माल आता था तो माल तकसीम करते थे। हाँ, कासिम के नबी, के नबी अल्लाह का खलीफा होता है, अल्लाह का बंदा होता है, इसलिए वो अल्लाह की बंदगी में अल्लाह वाली शान जाहिर करता है, देना ही देना। इसको अखलाक कहते हैं, इशार कहते हैं, कि देना ही देना है बंदों में, बंदे देने वाले बने, वो अखलाक कहलाते हैं, इशार कहलाते हैं। अल्लाह देने वाला है, वो उसका करम कहलाता है। ये सब बातें बताई गई हैं हमको ताकि ये सबक हमारी जिंदगियों में भी आवे। फिर अल्लाह अपने करम से एक दरवाजा और खोला है हम पर, वो है दुआ का रास्ता, कि मुझसे दुआ मांगो। यूं फरमाया, मुझसे दुआ मांगो, वो दुआ नहीं, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, वो दुआ नहीं, अस्तजीब लकुम। कितने रहमत की और प्यार की बात है कि मुझसे दुआ मांगो, मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। उदोनी सजीब लकुम, दुआ मांगा करो और मैं दुआ कबूल क्या करूंगा। मांगने वालों से खुश है अल्लाह, न मांगने वालों से नाराज है। मांगते नहीं अल्लाह से तो न मांगने वालों से नाराज और मांगने वालों से खुश। मांगो, दुनिया की हाजत, आखिरत की हाजत, हाँ मांगो अल्लाह ताला से, मांगने के तरीके सिखाए। हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला से अचानक की खैर मांगो, कि अल्लाह मुझे अचानक खैर दे दे, और अल्लाह मुझे अचानक के शर से बचा ले। अचानक की खैर आ गई, अचानक शर से बचा लिया, कितनी बड़ी बात हो गई। ये सिखाया अल्लाह से अचानक की खैर मांगो। सल्लल्लाहु मिन हुजातिल खैर, इस्तईजु मिन हुजातिल शर, कि कोई अचानक शर ना आ जावे, अचानक कोई बला ना आ जावे, ये भी अल्लाह से मांगो। तो दुआओं के उसलूब सिखाए, दुआओं के तरीके सिखाए, अल्लाह से दुआ मांगा करो। दुआ मोमिन का हथियार है, युवा ये दुआ मोमिन का हथियार है। मोमिन पर हालात आते हैं, उसे अपने दीन दुनिया के कामों को निपटाने पड़ते हैं। हाँ, दूसरों के हुकूक भी अदा करने पड़ते हैं। हाँ, तो उस पर हालात आते हैं, उन हालात में क्या करें। तो कहा, हालात के लिए अल्लाह ताला ने इनको दुआ का हथियार दिया है कि अपने हालात के लिए अल्लाह ताला से मांगे, अपने हालात के लिए अल्लाह ताला से मांगा करें, अल्लाह का काम करें अल्लाह से मांगे, अल्लाह का काम करें अल्लाह से मांगे। हाँ, ये नबियों का तरीका है कि अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह की तरफ से आने वाली जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे और अपने हालात के लिए, अपने हाजतों के लिए अल्लाह ताला से मांगा करेंगे। तो मांगने का रास्ता, मांगने का दरवाजा हमारे ऊपर खोल दिया गया है। दुआ हर वक्त मांगी जा सकती है, हर वक्त मांगो, चलते फिरते मांगो, लेटे बैठे मांगो, सफर हजर मांगो। हाँ, बात जगह ऐसी होती है कि वहां दुआ की कबूलियत की ज्यादा उम्मीद होती है, बाद अवकात ऐसे होते हैं कि वहां दुआ की कबूलियत की ज्यादा उम्मीद होती है। तो वो नबियों ने वो बातें हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है कि ये अवकात है जिसमें दुआएं कबूल होती रही है, पिछली रात में दुआ कबूल होती रही है, फर्ज नमाजों के बाद कबूल होती है, दीनी ईमानी मजलिसों में दुआ मांगने से वो दुआएं कबूल होती है, वगैरह वगैरह।
तो दुआओं की कबूलियत के औकात बताए, उसके मौके हमको बताए ताकि हर मौके से फायदा उठाएं और अल्लाह से मांगे। फिर दुआ हमारी हाजत भी है और दुआ खुदा की इबादत भी है। दुआ के दोनों पहलू हैं कि दुआ हमारी हाजत भी है, क्योंकि हाजत की वजह से ये मांग रहा है। तो दुआ हमारी हाजत है और दुआ अल्लाह की इबादत भी है, इसलिए दुआ मांगने का सवाब भी मिलता है और दुआ मांगने से मुराद भी पूरी होती है। दोनों बातें होती है कि दुआ से दोनों मुरादें पूरी हो जाएगी और दुआ इबादत है। दुआ इबादत इस वजह से है कि गैर खुदा से दुआ नहीं मांग सकते, गैर खुदा से दुआ मांगना शिर्क है। दुआ सिर्फ क्योंकि इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, इसलिए दुआ इबादत भी है और दुआ हमारी हाजत भी है। तो दुआ मांगने से सवाब भी मिलता है और दुआ मांगने से मुराद भी मिलती है। कितना बड़ा इनाम है कि एक ही चीज में दोनों के तुम्हारी हाजत भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें उसका अजर और इनाम भी आ जाएगा। फिर दुआ की वजह से या दुआओं को अल्लाह के यहाँ कोई हकीकत चीज नहीं समझी जाती, बल्कि आता है कि दुआओं का अल्लाह के यहाँ इकराम होता है। जो दुआएं जाती है ऊपर, उन दुआओं का इकराम होता है कि बंदों की अर्जियां आई है, बंदों की दरख्वास्तें आई है। वो जानते हैं बंदे कि हमारी मुराद पूरा करने वाला एक ही अल्लाह है, वो हमारा रब है, वो हमारा माबूद है, वही मुराद पूरी करता है, वही हाजत पूरी करता है, इसलिए दुआएं मांगी है। तो वो दुआएं ऊपर जाती है तो उनका इकराम होता है हदीसों में कि अल्लाह के दरबार में दुआ से बढ़कर कोई चीज काबिल इकराम नहीं है। तो दुआएं ऊपर जाती है तो उसको महफूज भी रखा जाता है, उसको मकबूल भी बनाया जाता है। दुआएं महफूज भी होती हैं, मकबूल भी होती हैं। जिन दुआओं का नतीजा अभी देना है तो कबूल करके उसको अभी दे देते हैं, ये मांगा ये ले जाओ। और जिनको अभी नहीं देना है, किसी हिकमत की वजह से, किसी मसलहत की वजह से, कुछ देर के बाद देना है, कुछ वक्त के बाद देना है, ऐसा मौका होता है, अल्लाह जानते हैं, बंदा नहीं जानता कि इसको अभी अभी मिलना ठीक है या देर से मिलना ठीक है, वो नहीं जानता बंदा। छोटे बच्चे चीजें मांगते हैं तो माँ बाप फौरन नहीं देते थे, बल्कि उनकी मसलहत को देखते हैं, उसके नफे नुकसान को देखते हैं। तो अल्लाह ताला तो माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है। बंदा अपनी नादानी से कोई चीज मांगे और वो उसके लिए इस वक्त ठीक नहीं है तो उसकी दुआ को महफूज रखते हैं ताकि जब उसका वक्त आवे तो उसकी दुआ की कबूलियत उसको दे दे। इसलिए उलमा ने फरमाया कि दुआ महफूज भी रखी जाती है और दुआ मकबूल भी बनाई जाती है। कोई दुआ मांग कर अल्लाह से नाउम्मीद न बने या देर से नतीजा आए तो दुआ को न छोड़े। हाँ, शैतान नाउम्मीद बनाकर अल्लाह से काटता है, जैसे गुनाह में डालकर अल्लाह से दूर करता है। मौलाना अलियासा बना देते, नाउम्मीद बना करके भी अल्लाह से काट देता है कि तेरा अल्लाह ने तो क्या, कितने मांगा तूने, कितना वक्त लगाया, कुछ हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, कि छोड़। ये दावत है उसकी, नाउम्मीद बनाना अल्लाह से और नाउम्मीद बना कर अल्लाह से काटना। फरमाते हैं जिस तरह ख्वाहिशों में गुनाहों में मुबतला करके बंदे को अल्लाह से दूर करता है, ऐसे नाउम्मीद बना कर भी करके भी दूर करता है। इसलिए कोई अल्लाह से नाउम्मीद न बने, चाहे जितना गुनहगार हो, जितने भी गुनाह किए हो, लेकिन अल्लाह से नाउम्मीद न बने, क्योंकि अल्लाह की मगफिरत बंदे के गुनाहों से बहुत ज्यादा है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुक अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुक अरजा इंदी मिन अमली, ये तालीम दी है, ये तालीम दी है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुक अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुक अरजा इंदी मिन अमली। हाँ, इसमें तालीम भी है, दुआ भी है, अदब भी है। ऐ अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत जो है वो हमारे गुनाहों से बहुत ज्यादा है, गुनाह तो महदूद है और मगफिरत के मगफिरत की तो कोई हद ही नहीं है।
ऐसे ही अल्लाह की रहमत, कि अल्लाह की रहमत ये लामहदूद है, बंदे के अमल जो रहमत का सबब बनते हैं वो अमल तो महदूद होते हैं, वो अमल महदूद होते हैं, लेकिन रहमत ये रहमत लामहदूद है। तो गुनाह महदूद होते हैं, मगफिरत लामहदूद होती है, अमल महदूद होते हैं, रहमत लामहदूद होती है। ये सिखाई है बातें ताकि कोई नाउम्मीद न बने बल्कि उम्मीदवार रहे। अबशरु व अम्मिलु मा यसुरुकुम, बशारतें सुना करो, फजाइल याद रखा करो कि ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। हाँ, और खुश रहो इन बशारों पर। वो अम्मिलु मा यसुरुकुम, वो अम्मिलु मा यसुरुकुम, और उम्मीदवार रहो ऐसे हालात के, ऐसे इनामात के जो तुम्हें खुश कर देंगे। ऐसे इनामात मिलेंगे, ऐसे हालात लाएंगे अल्लाह पाक जो तुम्हें खुश कर देंगे। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अपने कर्म में बड़ा है, सब चीजों में अल्लाह बड़े हैं। उसकी बड़ाई में कोई शरीक नहीं है, उसे खुदाई में कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है अपनी शानों में, अपनी सिफतों में, अपने तसरुफात में, सब चीजों में। इसलिए कहा कि अल्लाह से उम्मीदवार रहो, अल्लाह से उम्मीदवार रहो, अमल करके उम्मीदवार रहो। और गुनाह हो जाए तो मगफिरत के उम्मीदवार रहो, और मगफिरत मांगो तौबा करके, इस्तगफार करके, ताकि किसी हस्से से भी शैतान जो है बंदों को अल्लाह से न काटे। नबियों ने सारे रास्ते खोल दिए हैं, गुनहगारों के लिए रास्ता मगफिरत का है, जी हाँ, इताअत करने वालों के लिए रास्ता रहमत का है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, इताअत करो अल्लाह की, उसके उसके रसूल की, ताकि तुम पर रहम हो जाए। तो रहमत के भी वादे हैं, और भूल चूक हो गई, गलती हो गई, गुनाह हो गए, हाथ तोड़ी, हुक्म छोड़े, ये कोई बात नहीं, माफी मांगोगे तो माफ कर देंगे। तकवा तहारत से भी जन्नत में जाएगा, तकवा है, मुत्तकी है, कि वो भी जन्नत में जाएंगे। साबिकु इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्धुहा अस्समावात वल अर्ध उइद्दत लिल्मुत्तकीन, कैसी जन्नत की तरफ दौड़ो कि जिसके चौड़ाई सातों आसमान जमीनों के बराबर है। चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। चौड़ाई बताई, लंबाई नहीं बताई, कि जन्नत की चौड़ाई के सातों आसमान जमीन के बराबर, और लंबाई ये लंबाई तो बहुत ज्यादा है। उसके समझाने के लिए तुम्हारे सामने कोई मिसाल नहीं है, आसमान जमीन चौड़ाई के बराबर। ऐसी जन्नत बनाई है, किसके लिए बनाई है? ये मुत्तकीन के लिए बनाई है, इज्जत दिल मुत्तकीन, उनके लिए तैयार की है, और वो हो गई है तैयार। हाँ, वो तैयार है, इज्जत दिल मुत्तकीन। वो कौन मुत्तकी है? वो अल्लाह के लिए खर्च करने वाले, जिनफिकू नफी सर्रा बतर्रा, वो अल्लाह के लिए खर्च करने वाले हैं, तंगियों में भी फराकियों में भी, जिनफिकू नफी सर्रा बतर्रा, और अपने गुनाह अपने गुस्सों को दबाने वाले हैं, दरगुजर करने वाले हैं, गुस्सा दबाने वाले, दरगुजर करने वाले। ऐसे ही लोगों से अल्लाह को मोहब्बत है, और किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए, एहसान के लिए, एहसान करने वालों के लिए, कि और किसके लिए? केवल الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله, और उनके लिए भी जन्नत तैयार है, कि जिन्होंने पूरे पूरे काम कर दिए और अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह करके, लेकिन उनको एकदम अल्लाह याद आ गया, ذكروا الله, और अल्लाह याद आ गया, तो इन गुनाहों के करने के बावजूद अल्लाह के सामने झुक गए माफी मांगने के लिए। ज़िक्रुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, फिर उन्होंने अपने गुनाह अल्लाह से माफ करवाए, माफी ना मांगी, अल्लाह से अपने गुनाह माफ फरमाए। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह के सिवा कोई गुनाह माफ करने वाला है ही नहीं। हाँ, और कौन माफ करे? तो उनके लिए भी जन्नत है, मुत्तकियों के लिए भी जन्नत है, मुस्तगफिरीन के लिए भी जन्नत है। तो कितना कर्म हो गया कि कोई गुनाह माफ करने वाले अल्लाह के, और उनको, और वो माफिया मांगते हैं, अपने गुनाहों पर अड़ते नहीं है,
बल्कि नदामत करके माफी मांगकर गुनाह छोड़ दें तो मुस्तफरीन यानी इस्तगफार करने वालों के लिए भी जन्नत तैयार है और तकवा वालों के भी जन्नत तैयार है। तो कितना बड़ा करम ही है। कदम यसिर वाला माफ़हुम लहुम वहुम यालमून उलाएक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम जन्नत तजरी मिन तहतिहा अन्हार खालिदीन फ़ीहा इनके लिए जन्नतें हैं सदा उसमें रहेंगे। तो जन्नत दोनों को देंगे, इनको भी देंगे इनको भी देंगे। फिर फर्क क्या हुआ कि बने अजरुल आमिलीन ये आगे है कि नहीं अजरुल आमिलीन, लेकिन चूंकि वो अमल करके आए हैं ये गुनाह करके आए हैं इनको इस्तगफार पर देंगे उनको अमल पर देंगे और अमल पर जो बदला मिलेगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा। उनका इतना करके बात बंद कर दी है। कुरान शरीफ को पढ़ने की समझने की बहुत जरूरत है। हाँ कि अमल करने वालों का अजर तो बहुत ही बड़ा होगा, मगफरत पर जन्नत जन्नत मिल जाएगी इस्तेफार करने पर। हाँ लेकिन जो अजर इनाम अमल करके दुनिया से आए हैं उसका अजर इनाम तो कोई चीज होगी। इसने कहा वने अजरुलामिलीन कि अमल करने वालों का अजर तो खुद जो होगा वो तो वो खुद ही देखेंगे बहुत ही अच्छा होगा। तो किसी को नाउम्मीद नहीं बनाया, मुत्तकियों को भी नवाजा, इस्तिगफार करने वालों को भी उम्मीदवार बनाया। ये अल्लाह ताला की शान है कि उसके यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हदीसों में है कि जब हाथ फैलाता है बंदा और दुआ मांगता है तो अल्लाह कहते हैं कि मुझको शर्म आती है कि मैं इसके हाथ को खाली वापस करूं, इनकी ये मुझे इससे शर्म आती है। तो ये कबूलियत वगैरह के वादों की तरफ इशारा होता है कि जब वो खाली हाथ होकर मांगने आए हैं तो हम उनके खाली हाथ को वापस नहीं करेंगे, हम उनकी दुआओं को कबूल करेंगे, उनकी मुरादें पूरी करेंगे, उनको दुनिया और आखिरत की खैर हम देने वाले हैं। ये इसलिए हमको दीन भी दिया है, दीन का काम भी दिया है और दीन के काम करने के साथ साथ कि फिर अल्लाह से मांगने वाले बनो, और कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह देने वाला है। अल्लाहुम्मा ला मानअ लिमा अतैता वला मुअ्ति लिमा मना, अल्लाह अगर आप रोक देंगे तो कोई नहीं देगा और आप देंगे तो कोई रोक नहीं सकता। एक ही बात है कि देने वाली जात अल्लाह की है, रोकने वाली जात भी अल्लाह की है। अगर वो रोक देंगे फिर कोई खैर नहीं मिल सकती और वो देंगे तो कोई खैर रोक नहीं सकती। मसला अल्लाह ताला के हाथ में है, ईमान की बात है ये। इसलिए अल्लाह की तरह अपने आप को मुतवज्जे करना है और अल्लाह ताला के काम को और अल्लाह ताला से आने वाली जिम्मेदारियों को अपनी तरफ से पूरा करने के हौसले हिम्मत ये रखनी है और नियतों को अल्लाह की रजा के लिए खालिश करनी है कि अपने अपनी नियतें क्या हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, कि अल्लाह राजी हो गया कि काम हो गया। वरिदवान मिन अल्लाह अकबर कि अल्लाह से राजी हो जाना तो बड़ी बात है, अल्लाह का राजी हो जाना बड़ी बात है और उसका नाराज होना खतरनाक बात है। अल्लाह नाराज हो गए कि खतरनाक मसला हो गया, अल्लाह राजी हो गए कि बड़ा काम हो गया। इसलिए रजा के कामों की तरफ रहबरी की है, उसकी दावत दी है, उसकी तालीम दी है, उसकी तरगीब दी है और नाराजगी कामों से लड़ाया है, बचाया है। हाँ कि नाराजगी वाली बात है, यहाँ कोई नहीं जावे। इसलिए अपने आप को बचाना भी है नाराजगी के कामों से। जी हाँ, कि नाराजगी में कोई ना जावे, अल्लाह के नजर नाराजगी बहुत सख्त चीज है। तो अल्लाह हमको अपने नाराजगी से बचा ले और अपने रजा वाले पर कायम रखे, उसके लिए अल्लाह से मदद मांगनी है, दुआएं मांगनी है। इसलिए अल्लाह से मांगा करे, हर काम का आखिर दुआ और इस्तगफार होता, काम पूरा हो गया क्या माफी मांग लो, दुआ मांग लो। माफी इसलिए मांगनी है ताकि कमी कोताही माफ हो जाए, वो दुआ इसलिए मांगनी है कि अमल करने से जो मुराद है वो पूरी हो जाती। ये तरतीब है अल्लाह तबारक व तआला के सामने। इसलिए अमल भी करेंगे, दुआ भी मांगेंगे। गुनाह हो गया तो नाउम्मीद नहीं होंगे, बल्कि
गुनाहों का इकरार करके नदामत के साथ अल्लाह से माफी मांगे जाए तो अल्लाह ताला को माफी पसंद है। अल्लाहुम्मा इन्नक अफून तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ये दुआ शबे कदर की उसमें यही है कि अल्लाह तू तो माफ दरगुजर करने वाला है, दरगुजर करने को पसंद करता है, हमारी तरफ से दरगुजर फरमा, ये शबे कदर की दुआ। जी हाँ, तो दुआ ही दुआ है, दुआ असल है अल्लाह से लेने के लिए। हाँ, तमाम आमाल जो हैं वो दुआ की कबूलियत के असबाब हैं। हाँ, तो वो असबाब भी इख्तियार किए जाएंगे और दुआएं भी मांगी जाएगी, इसलिए अल्लाह ताला से मिलजुल के भी दुआ मांगनी है, इनफरादी तौर पर भी दुआ मांगते रहना है। इज्तिमाही दुआएं तो कभी कभी होगी, इज्तिमा होगा तो इज्तिमाही दुआ मांगी, लेकिन इनफरादी दुआ तो हर वक्त मांग सकते हैं। इज्तिमाही दुआ जो होती है वो तो इनफरादी दुआ की तालीम के लिए होती है, इस तरह मजमे में दुआ मांगी गई है, मजमे में दुआ मांगी है। अब मजमा तो नहीं मिलेगा हर वक्त, तो इंफरादी तौर पर भी अल्लाह ताला से अपने मुरादे मांगा करो, ये रहबरी है इज्तिमाही दुआ में। इज्तिमा नहीं है, मजमा नहीं है तो भी अल्लाह ताला से मांगा करो। हाँ, मांगने वालों से खुश है, न मांगने वालों से नाराज है। हाँ, लेटे बैठे अल्लाह से मांगे। इसलिए मुख्तलिफ अवकात की दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हाँ, और मुख्तलिफ अवकात के कलिमात भी सिखाए हैं, मसनून दुआएं भी हैं, मसनून कलिमात भी हैं, उसको सीखना चाहिए कि जो मसनून दुआएं हैं उसमें कबूलियत की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो कलिमात अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए हैं, मांगने के कलिमात और अल्लाह को याद करने के कलिमात, वो मसनून कलिमात है। तो दोनों की तालीम हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है, मसनूद कलिमात भी सिखाए हैं, ये कलिमात अल्लाह की शान में बोलो और अल्लाह के सामने ये बात मांगो, तो मसनूद कलिमात भी है, मसनूद दुआएं भी है। हाँ, अल्लाह के रास्ते की नकल व हरकत के ज़माने में इसके सीखने का बेहतरीन मौका होता है, इसको सीखें ताकि हमारी दावत सीखने सिखाने वाली बने, इल्म और जिक्र वाली बने, इबादत वाली बने, अखलाक इखलास वाली बने। ये तमाम चीजें मिल करके दावत बनती है, ये तमाम चीजें मिलकर खुरूज बनता है, खाली खुरूज नहीं होता बल्कि इन तमाम चीजों के साथ खुरूज होता है नकलो हरकत के। इस नकलो हरकत से खैर को आलम में जिंदा करना होता है, खैर को अपनी अपनी जिंदगियों में भी लाना होता है, ये मकसूद है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारे पास खैर है तो खैर अपनी जिंदगी में भी आवे, खैर दुनिया में भी आवे। अपनी जिंदगी में खैर आने के लिए अपने आप को इस्तेकामत और पाबंद करना पड़ता है, और दुनिया में खैर आवे उसके लिए अपने आप को हरकत में लाना पड़ता है। तो हरकत भी जरूरी है और इस्तेकामत और पाबंदी भी जरूरी है। मजहब हमारा दीन चक्की जैसा है कि चक्की में हरकत भी है और सबात भी है, कि एक पार्ट ऊपर है वो हरकत में रहता है, एक पार्ट नीचे है वो साबित रहता है। तो मजहब में सबात भी है, मजहब में हरकत भी है, दोनों का तवाजुन बाकी रखना है। दीन लेते हुए, दीन देते हुए हरकत भी करो, सबात कदमी भी पैदा करो, सबात कदमी पैदा करो, दीन लेते देते रहो। तो हरकत और सबात दीन के लेन देन में है, दीन के सीखने सिखाने में है। इसलिए खुरूज है, सिर्फ खुरूज नहीं है बल्कि खुरूज के साथ बहुत सी चीजें हैं। एक खुरूज से काम नहीं बनेगा बल्कि उसके साथ और चीजें लगानी पड़ेगी। जिस तरह बिरयानी के चावल से बिरयानी नहीं बनती बल्कि बिरयानी के चावल के साथ और चीजें मिलानी पड़ेगी तो बिरयानी बनेगी। खाली बिरयानी के चावल का ढेर लगा रहे तो उससे बिरयानी नहीं बनती। इसलिए खाली खुरूज से काम नहीं बनेगा बल्कि खुरूज दूसरी चीजों के साथ है, उन चीजों के साथ होगा तो फिर ये नकलो हरकत नबियों वाली होगी। हाँ, नबियों वाली होगी, इबादत और इनामत वाली होगी, हमदर्दी वाली होगी, अखलाक वाली होगी, आखिरत बनाने वाली होगी। जी हाँ, इसकी सिफतें जाहिर होगी खुरूज की। तो इसलिए इसको समझना है और अपने काम को समझ समझ करके करना, उसके समझ पैदा करनी है, पूछ के चलना, मान के चलना, ये उसमें शामिल है। अपनी बात छोड़ देना, खुदा रसूल की बात पर कायम हो जाना, अपनी बात छोड़ देना और खुदा रसूल की बात पर कायम हो जाना, इसको हक परस्ती कहते हैं। हक परस्ती, कि हक परस्ती नबियों की शान होती है कि अपनी छोड़ दी खुदा की ले ली, तो
तो वो हक पर रहेगा, हक परस्त होगा, नहीं तो वो नफ्स परस्त है, वो अपने नफ्स के ताबे है। जैसे शैतान है, शैतान ने अपनी छोड़ी नहीं है, अपनी नहीं छोड़ी, तो वो नफ्स परस्त है। वो शैतान को किसने बर्बाद किया? लोग शैतान लोगों को बर्बाद करता है, और शैतान को किसने बर्बाद किया? हमारे एक साथी ने अजय से पूछा कि शैतान ने लोगों को बर्बाद कर रहा है, तो शैतान को किसने बर्बाद किया? फरमाया शैतान को उसके नफ्स ने बर्बाद किया, शैतान को उसके नफ्स ने बर्बाद किया कि मैं हूं, ये अपनी बात पर इशरार, अपनी बढ़ाई, कि फिर वो काम से गया और हमेशा की लानत में गिरफ्तार है वो। हाँ, हमेशा की लानत उसके लिए है, तो लानत में गिरफ्तार है। ये तो कि वो अपनी बात को छोड़ता नहीं है। तो नबियों का तरीका ये है कि अल्लाह के सामने झुकना, हक को कबूल करना, हक के लिए अपने आप को पामाल करना, उसको हक परस्ती कहते हैं। हक परस्ती के वो असल है, अल्लाह हक है, रसूल हक है, किताब हक है, कयामत हक है, हदीसों में ये कलिमात है। तो हक परस्ती, इसलिए हमारा काम हक परस्ती है, नफ्स परस्ती नहीं है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे हमारी नफ्स परस्ती से। हर वो चीज जो अल्लाह को नाराज करे वो नफ्स परस्ती है। हर वो चीज जो अल्लाह को नाराज करे, अल्लाह से दूर करे, वो नफ्स परस्ती है। सबसे बड़ा माबूद खुदा के सिवा जो पूजा जाता है वो आदमी का नफ्स है, हदीसों में। एक माबूद तो बड़ा अल्लाह है, वो तो माबूद बड़ा है। जो बड़ा माबूद जिसकी पूजा जमीन पर की जाती है, फरमाया वो इंसान का नफ्स है। हवन नफ्स, अपनी अपनी सलानी, अपनी अपनी मनमानी करनी, ये इसको इसको माबूद बनाया है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये उसमें से निकलो, उसमें से निकलो, और एक खुदा की इबादत पर, एक खुदा की इताअत पर आओ। ये निकलना है कि हम एक खुदा के बंदे हैं, और वो जो कहेंगे वही करेंगे, तो जिंदगी हक पर आएगी, हक परस्ती होगी। इसलिए हम अपने आप को बनाने के लिए हमें ये काम करना है कि हम बन जाएं। जी हाँ, ईमान यकीन के लिहाज से, सिफात के लिहाज से, आखिरत की फिक्र के लिहाज से, हाँ अपने आप को बनाना है। अपने आप को बनाने के नीयत से चलना है, दूसरों को बनाने के लिए नहीं, अपने आप को बनाने के लिए। कारीगर तो दूसरों के लिए करता है, लेकिन ताजिर अपने लिए करता है। हाँ, कारीगर दूसरों के लिए बनाता है, मजदूरी खुद मांगता है, लेकिन ताजिर जो होता है वो सामान लाता है और अपने सामान से बेच करके अपना नफा चाहता है, उसके सामने उसका अपना नफा होता है। तो हम अपने दीन का काम करेंगे, जान माल लगाएंगे ताकि हमें उसका नफा मिले। वो नफा क्या मिले? कि हिदायत मिले, कि हमारा नफा है। हिदायत नहीं है तो हमारा भी हाथ तजारत हो, उनकी तजारत में कोई नफा नहीं है, हिदायत नहीं हुई। तो असल नफा ये है कि हिदायत मिल जाए, कि हिदायत पर अल्लाह के इनामात है। इसलिए अल्लाह से हिदायत मांगनी है और अपने आप को इस पर कायम रखना है। अल्लाह ताला मुझे भी नसीब करे, आपको भी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताइए, दुआ तो तकरीबन कम्प्लीट हो गई है। मैंने अपने चैनल पे वो डाउनलोड भी कर दी है, अपलोड कर दी है दुआ, वहाँ पर जाके आप दुआ मुझे मुकम्मल जोड़ की जो दुआ रखी है, जोड़ दुआ रायवट के अंदर वो सुन सकते हैं आप। दूसरा है कि अभी वापसी का सफ़र है, तो निकल चुके हैं, जोर की नमाज भी पढ़ ली है, खाना भी खा लिया है, देख सकते हैं आप 120 की स्पीड में जो है गाड़ी चल रही है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है मुल्तान पहुंचने वाले हैं। फाइनली गाइस, को हम पहुंच चुके हैं नूरियाबाद, बस थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे, नमाज़ भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।